दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो चुनावी रथ है आज हमारा कोलकाता के पास है और कोलकाता में यहाँ पर बीजेपी की रैली है जहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं और यहाँ के कुछ निवासी हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस क्षेत्र का माहौल क्या है और आखिरकार जिस तरह से बीजेपी इस समय बंगाल के अंदर हावी होती जा रही है, क्या वजह है कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, क्यों आखिरकार बीजेपी को पसंद करते हैं, क्या वजह है। बीजेपी पर एक तुष्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा करना चाहती है बीजेपी? नहीं नहीं नहीं, ये अलग बात है, ये बात आज सच नहीं है, ये बात सच कभी नहीं होता। क्यों? बीजेपी हर धर्म लेके बीजेपी है, बीजेपी कोई धर्म को कोई ग्लानी नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है कोई आदमी को। बीजेपी के मुस्लिम संगठन नहीं है? बीजेपी का मुस्लिम संगठन नहीं आए अभी तक, बहुत बहुत सारा बड़ा संगठन है मुस्लिम का। मुस्लिम क्या करता है? राम नाम का जप करता है। अभी तक ये बंगाल में है और महाराष्ट्र में है। लेकिन सर, ममता बनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी यहाँ नहीं आएगी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं? वो लोग तो पागली है, अभी तो पागली हुआ जो बात बोल रहा है ना, वो क्या बोलता है वो भी नहीं समझता है। सरस्वती माँ का पूजा करता है, वहाँ से झूठ बोलता है, माता को नाम नहीं बोल सकता, वो क्या करता है ये बंगाल के लिए? बोला था सर, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से रैली थी हुगली के अंदर, क्या उसके बाद बिहार में या पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल की बात करें, क्या परिवर्तन आया है कि क्या युवाओं में और जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, युवा के लिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है और युवा है, टीचर के लिए कोई टेट फेट कोई कुछ भी शक्ति भक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का जो युवा है पूरा बीजेपी का पास गया, तृणमूल का पास अभी नहीं है, तो इसीलिए 21 में बीजेपी जरूर आएगा। और यह से जो सिंडिकेट है जो राज कर रहा है, ठीक है, सब दुर्नीति से भर चुका है, तो दुर्नीति में भर चुका है, इसीलिए ये बंगाल में यार दीदी नहीं आएगा, एकदम जरूर नहीं आएगा। तो ये युवा कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी नहीं आएगा, लेकिन ये तो इलेक्शन का वक्त बताएगा, यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं जो लोकल हैं। हिंदी बोलते पड़े? हिंदी नहीं, हिंदी सर बोलते हैं। देखिए, ये जो अफवाह है, जो ममता दी जो बोल रहा है, जो ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आएगा, वो तो वक्त ही बता देगा जो कि आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। ये साधारण जो पब्लिक है वो लोग परिवर्तन चाह रहा है, इसलिए हम लोग उन लोगों के साथ दे रहा है और मोदी जी के साथ हम लोग है और आगे भी था और अभी रहेंगे और भी कुछ पूछना चाहेंगे तो बोलिए। एक आरोप लग रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आई, बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, तो कह रहे हैं अगर मुसलमानों के वोट असदुद्दीन साहब ले जाएंगे और हिंदुओं का वोट अगर बीजेपी ले जाएगी, तो ममता बनर्जी कहना क्या मैं कच्चा केला खाऊंगी, क्या मैं मुझे क्या बचेगा जो मैं बंगाल की हूँ, माँ माटी मानुस की बात कर रही हैं, तो उसको आप कैसे दे? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है, वो तो वक्त ही बता देगा। लोगों का ये कहना है कि ये वक्त बताएगा कि आखिरकार यहाँ पर कौन आएगा। लेकिन एक सवाल इस समय सोशल मीडिया हो या मीडिया में चल रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर कि यहाँ पर जो राजनीति है, वहाँ पर बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसको लेकर भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो हत्याएँ हुई सर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएँ हुई? बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या हुए वो तो कर दिया टीएमसी। हाँ, तो देखते हैं नहीं नहीं, ये तो अच्छा काम नहीं है। आदमी को काट लेता, क्यों आदमी को मार देता है, क्यों मार देता है आदमी को, क्या कर दिया? गणतंत्र का अंदर है ना, वो जो राजनीति करता है बीजेपी करता है, कोई सीपीएम करता है, कोई कांग्रेस करता है, कोई टीएमसी करता है, तो सब आदमी को तो गणतांत्रिक अधिकार चाहिए ना। अधिकार तो हक है, मगर कोई अधिकार यहाँ पे जो अभी तक जो ममता बनर्जी था ना, वो आदमी लोग तो जो भाषण दे दिया उसका अंदर बोला था, देख लेता है वो आदमी, मुख्यमंत्री बोलता है हम देख लेगा क्या देख लेगा, वो बोलता है कार्यकर्ता जो है ना और पार्टी का, वो बोलता है जे सब ग्राम सब पराग सब शहर काट काट के जॉय कर लो। कट मनी कल्चर क्या है? हमारे हिंदी के जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए, कट मनी कल्चर को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सिंडिकेट को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें की, वो क्या है, कट मनी क्या है? काट मनी
काठमांडी जितना योजना प्रधानमंत्री दिया था वो योजना का अंदर जितना रुपया आ गया कोई आदमी का पास टूटा रुपया नहीं मिला, एक तो रुपया नहीं मिला, सारे रुपया खा लिया। क्यों? ममता बनर्जी का भाई ये जो नील सदा रंग है ना सारा वेस्ट बंगाल में, वो कॉन्ट्रैक्टर है ममता बनर्जी का दादा भाई, और क्या। ये बंगाल के युवा हैं जो इस समय बीजेपी से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यही काठमांडी जो बोल रहा हूँ ना, काठमांडी है, केंद्रीय सरकार ने जो 1000 रुपया का सैंक्शन किया था जो आम फंड में जो घर भर सब झार में उड़ गया था ना, उस जो पैसा सैंक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल के लिए, वो पश्चिम बंगाल का जो जनरल पीपल है उसको नहीं मिला। वो सारे नेता ने, टीएमसी का नेता ने सब खा लिया। वो बोलता है काठमांडी एग्जैक्ट नहीं मिला, जो मिला था जो एक्चुअल में प्रॉब्लम में था उसको नहीं मिला, सब तृणमूल सरकार ने पूरा खा लिया। जो केंद्रीय सरकार ने, मेरा मोदी जी ने सैंक्शन किया था, ठीक है, वो नहीं मिला। वो बोलता है काठमांडी, लेकिन अभी रोड देखे ना, रोड का सैंक्शन मिला था लेकिन रोड नहीं काम कर रहा है, सब पैसा खा ले रहा है। टीएमसी आवास योजना का जो घर है ना, आवास योजना का जो केंद्रीय सरकार का जो घर है 1,80,000 रुपया बंगाल में दे रहा है। इस वो क्या है, 1,80,000 में 1,00,000 रुपया मिलेगा, 80,000 है ना, वो 80,000 टीएमसी को जो नेता है, नेता लोग खा लिया। मैक्सिमम घर लगो, मेरा मैं जो गांव में रहता हूँ, बहुत कंप्लेन है जो टीएमसी का जो नेता है, नेता वाला बोल रहा है जो हम लोग को 80,000 रुपया लाएगा और बाकी जो 1,00,000 रुपया है उसको तुमको भेजेंगे तो राजी हो जाएगा, आदमी तो राजी हो जाएगा, इसीलिए वो 80,000 रुपया उसको ले लिया और 1,00,000 रुपया इसको दे देगा। आप क्या कहना चाहते हैं जो ग्राम में कहने थे जी, ग्राम में देखिएगा, बस शहर में देखिएगा, जो आमफान आया था तो तूफान आया था, हर घर बस्ती उजड़ गया था पूरा। 1,000 करोड़ों का सैंक्शन दिया था मोदी जी ने, वो पैसा एक भी पैसा नहीं मिला, सारे नेता ने खा लिया। किसान का घर है आपका ईंट का एकदम कॉलम देकर, उसका घर कुछ नहीं है लेकिन दिखाया उसका घर भी टूट गया। सर किसान सम्मान निधि को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही, किसान सम्मान निधि उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। किसान के लिए मोदी जी ने अच्छा सोचा है, इसलिए अच्छा आइन दिया है, लेकिन जो टीएमसी ने, कांग्रेस है, बामपंड है, उन्होंने उसका दूसरा मतलब निकल दिया। ये जो आइन है ना वो किसान के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो जो मतलब जो चीज़ है उसको गलत कर दिया। हाँ, लेकिन वो अच्छा है आइन जो है ना, कृषि आइन, वो अच्छे के लिए बना है। कृषि बिल का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या जो कृषि फार्म बिल आया है, किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर क्या असर है? यहाँ का दिल्ली में जो हो रहा है ना, वो किसान है, पहले देखो उसको जो किसान है कि नहीं है, वो तो आतंकवाद है, आतंकवादी है, उस तो आतंकवादी है सब।